हेलो गाइस, दिस इज मी अंकुर उपाध्याय। वेलकम टू आवर चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस। गाइस, बात करूंगा SCL टेक्नोलॉजी शेयर के बारे में। स्टॉक में देखा जाए तो आज के सेशन में आपको गिरावट देखने को मिली है। स्टॉक की बात करूं तो स्टॉक आपको 1044 रुपीस के लेवल्स पे क्लोजिंग देता हुआ दिखा है स्टॉक, और 21 रुपए की गिरावट थी स्टॉक में, यानी कि लगभग 2% स्टॉक वीक था आज के सेशन में। मार्केट की बात करें तो बुरी तरीके से पिटाई होती हुई दिखी है आज के सेशन में। जैसे ही RBI गवर्नर जी ने रेपो रेट में बढ़ोतरी करी, वैसे ही मार्केट में एक शार्प फॉल देखने को मिला। और आज पूरे सेशन में जब से मार्केट खुली तब से हमें एक भी बाउंस बैक या ऊपर के लेवल्स दिखे ही नहीं, डायरेक्ट गिरती चली गई। अभी स्टॉक मार्केट में आपको दो चीजों पे फोकस करना चाहिए शाम के टाइम। एक तो जो फेड रेट पे मीटिंग है उस पे देखते हैं फेड रेट कितने बढ़ते हैं, फेड रेट हाइक्स होते हैं नहीं होते हैं, और होते हैं कितने, होते हैं कितने बेसिस पॉइंट से। तो ये सब चीजें जो आपको आज फोकस में रखनी चाहिए। SCL टेक्नोलॉजी स्टॉक के बारे में बात करें तो कहीं ना कहीं स्टॉक पे आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए अगर आपके पास पोजीशन है तो। और RBI गवर्नर दास जी ने कहीं ना कहीं आज के सेशन में IT स्टॉक्स को लेकर पॉजिटिव बोला यार, तो वो एक अपने आप में स्ट्रेंथ देता है IT स्टॉक्स के लिए। मेरा तो फेवरेट स्टॉक है SCL टेक्नोलॉजीज, मैं आप सभी के साथ शेयर करता आ रहा हूँ। पूरे IT स्टॉक्स में मुझे इंफोसिस और SCL टेक काफी ज्यादा फेवरेट है मेरी। TCS एक शानदार ग्रोथ स्टोरी शानदार, मतलब फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग काउंटर है सारे के सारे। और TCS अगर किसी के पास भी है, क्योंकि मैं TCS पे पर्टिकुलरली वीडियो नहीं बना रहा हूँ इसलिए इसमें कवर कर दे रहे हैं, TCS किसी के पास है तो आप इतना समझ लीजिए कि आपने एक बहुत ही शानदार शेयर खरीदा जिसमें आपको कभी लॉस नहीं होगा। आप सभी को पता है यार, एक दिग्गज कंपनी IT स्टॉक्स की और मार्केट की और इंडियन मार्केट की दिग्गज कंपनी है, सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है, बने रहने की सारा टेंशन मत लीजिए कोई भी लेवल हो आपका खरीदारी का। 4500 रुपए पे तो खुद कंपनी ने खरीदा है। अभी स्टॉक की बात करूं, क्या करना चाहिए आपको इन लेवल्स पे, इसके बारे में बात करते हैं तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी के साथ एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दें ताकि मेरी वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। एंड गाइस, वन मोर थिंग, अगर आपको किसी स्टॉक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है प्लीज कमेंट करिए, मैं उस पर पूरी वीडियो बनाऊंगा या फिर शॉर्ट बनाऊंगा, बट हाँ आपके लिए बनेगा जरूर कुछ ना कुछ। काफी ज्यादा कमेंट्स आते हैं मेरे पास कि एक टेलीग्राम चैनल ओपन कर लीजिए, अपना व्हाट्सएप नंबर दे दीजिए, बात करनी है आपसे डायरेक्ट। तो आप सभी के लिए मैं बता दूं, मे एंड तक कुछ ऐसा करने जा रहे हैं हम YouTube पे ही, जहां से आप और मैं डायरेक्ट कनेक्ट होंगे 24/7, जहां आपका दिल जब करेगा तब हम बात कर सकते हैं। मैं आपको अपने स्टॉक की रिकमेंडेशन भी दूंगा शॉर्ट टर्म ट्रेडर के हिसाब से, तो आप बने रहिए। मई अंत तक हम कुछ नया ला रहे हैं, यूट्यूब पे ही आएगा, ना आपको टेलीग्राम पे जाने की जरूरत है ना आपको व्हाट्सएप पे, यही मिलेगा ठीक। अभी स्टॉक की बात करूं, स्टॉक का सबसे पहले पीई देखिए भाई, 21 के पीई पे आ चुका है। अब पीयर कंपैरिजन करें तो इंफोसिस 28 के पीई पे, TCS 33 के पीई पे, टेक महिंद्रा 20 के पीई पे, विप्रो 22 के पीई पे। अब आप देखिए यार कितने सस्ते शेयर हैं, ये एक IT स्टॉक्स है, लार्ज कैप IT स्टॉक्स है, जो ब्लू चिप है ना वो 20-22 के पीई पे मिल रहे हैं आपको ठीक है। अब स्टॉक की और आपको मैं डिटेल्स दूं, स्टॉक के भी फंडामेंटल्स बता रहा हूं, जो कि जो लॉस में रहा यार उनको थोड़ा कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आना चाहिए। आज की जो गिरावट है उसे छोड़ दीजिए आप, आज तो ओवरऑल पूरी मार्केट और ये दो दिन चलेगी, उसके बाद मार्केट अपने हिसाब से चलने लगेगी और मार्केट की ग्रोथ स्टोरी पे चलेगी, स्टॉक के रिजल्ट्स पे चलेगी। ये जो रिएक्शन था वो एक्शन का रिएक्शन है। प्रमोटर 60.72% होल्ड करते हैं। मैं आपको याद दिला दूं, Q3 के रिजल्ट से 5 दिन पहले कंपनी ने ओपन मार्केट से 45 लाख शेयर्स बाय कर दिए एट अ प्राइस ऑफ 1330। तो आप सोच लीजिए कितना भरोसा है प्रमोटर्स को इस कंपनी पे। FIIs 18.97% होल्ड करते हैं, FIIs होल्ड करते हैं। DII म्यूचुअल फंड्स 14.56% होल्ड करते हैं, और रिटेल इन्वेस्टर पे क्या बचा यार, कुछ भी नहीं बचा, 5.75%। इसलिए ये स्टॉक फेवरेट है, क्योंकि ये स्टॉक है बड़े लोगों के हाथ में, ये स्टॉक है ऐसे हाथों में जिन्हें भरोसा है, जिनका भरोसा ही मार्केट में अपने आप में भरोसा दिला देती है स्टॉक पे। तो स्टॉक में बने रहने की सलाह होगी मेरी तो, और इन लेवल्स पे खरीदने की अलग सलाह होगी। स्टॉक की बात करूं, FY20 में 11,000 करोड़ का पैट था, FY21 में 11,169 करोड़ का पैट है, और FY22 में आप सभी ने देखा रिजल्ट्स आए हैं कंपनी के, जो कि आपको मैं आपको याद दिला दूं, अभी तो काफी टाइम हो गया रिजल्ट्स आए हुए। तो जो कंपनी डिविडेंड यील्ड बहुत ही शानदार हो चुकी है। मैं आपको एक चीज और बता दूं, डिविडेंड यील्ड की बात करें तो आपने देखा स्टॉक की 4% की डिविडेंड यील्ड हो चुकी है, और इस बार भी 18 रुपीस पर शेयर का डिविडेंड अनाउंस कराया कंपनी, तो ये एक शानदार चीज है। जो डिविडेंड यील्ड भी इंक्रीज हो रही है कंपनी की, तो ये आप सभी को ध्यान में रखना चाहिए। और चीजें बताऊंगा इस स्टॉक के बारे में, तो जो डिलीवरी और वॉल्यूम्स देखें तो डिलीवरी देखें तो 62% थी कल के सेशन में, 63.85% है 5 दिन का एवरेज, और 30 दिन के एवरेज में 60% की डिलीवरी वॉल्यूम्स है। तो बहुत ही शानदार है, लोगों का भरोसा बना हुआ है इस स्टॉक पे, कोई बेचने को तैयार नहीं है। अगर मैं लेवल्स बोलूं आपको एज अ ट्रेडर तो 104
40 के नीचे एक ब्रेकआउट है, ब्रेक डाउन है, वो कहीं ना कहीं होता हुआ दिखाया हमको इंट्राडे में, बट ऊपर क्लोजिंग मिली है 1020 तक फॉलोड है और ऊपर में मेरे हिसाब से टारगेट्स खुले हुए हैं 1150, 1180 और 1220 लेवल। जिस दिन निकलेगा ना फ्रेश हाई लगेंगे स्क्रीन पे, 1220 रुपए का जो लेवल है वो एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, वो लेवल से एक बार निकल जाए तो आपको फ्रेश हाई लगते हुए दिखेंगे। स्टॉक में बने रहने की सलाह, डरने की कोई जरूरत नहीं है, होल्ड करिए, बाय करिए, ये मेरी व्यू आईटी स्टॉक्स पे और एससीएल टेक पे। आपने ध्यान दिया हो तो आज मैंने एक एक करके सारे आईटी स्टॉक्स कवर कर लिए, इंफोसिस, टीसीएस, विप्रो, क्योंकि इतने कमेंट्स हैं और मैं एक ही वीडियो में आप सभी के साथ बात करता हूं, शायद आप बोर हो जाते हैं यार कि बहुत लंबी वीडियो आप तो वो समझ नहीं आती, इसलिए मैंने एक एक पर्टिकुलर वीडियो बनाई है अच्छे से समझाने के लिए, पूरा कॉन्फिडेंस देने के लिए। तो डरना बिल्कुल मत, आप बहुत ही ज्यादा सेफ स्टॉक लेके बैठे हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, खरीदते रहिए, एक्यूमुलेट करते रहिए। मेरा टारगेट स्टॉक में 1350-1400 रुपए का अगले एक साल के लिए। ये मेरी वीडियो एससीएल टेक्नोलॉजी शेयर पे, होप आप सभी को समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।